नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 14 वर्ष पूर्व महेशी में हुई थी घटना। जल जीवन हरियाली को लेकर तालाब को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। कई पक्के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। समारोह पूर्वक रेंज डीआईजी विकास वैभव को दी गई विदाई। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हजारों फरियादियों की सुनी थी फरियाद। डीएम के निर्देश पर जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर रोक लगाने के लिए चलाया गया अभियान। ट्रैफिक डीएसपी ने कई वाहनों को किया जब्त। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे 1 बीएन तिवारी की अदालत ने 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। वहीं जुर्माना राशि नहीं देने पर 5 अभियुक्तों को 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि 19 नवम्बर 2006 को महेशी के बहरी वहियार में 5 अभियुक्तों ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही लड़की को गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गया था। वहीं ग्रामीणों ने बेहोशी की हालत में लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई थी। मामले में 9 गवाहों ने घटना का समर्थन किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने सुरेंद्र यादव, श्रवण यादव, मदन यादव, चांदसी यादव और अमरजीत सिंह को 23 दिसंबर को दोषी पाया। आज मामले में हुआ कि 19/11/2006 को महेशी गाँव के घटना है बहरी बहियार की। वहाँ पर जो है एक लड़की थी जो अल्पवयस्क थी, उसके साथ जो है रेप किया गया और उसको गिरा के मारा गया, जिसके चलते उसके माथा में पूरा चोट लगा हुआ था। बेहोशी हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। 19/11 की घटना थी और 22/11 को उसकी मृत्यु हो गई। तो रेप विथ मर्डर का इसमें आरोप लगा उन लोगों पर और इसके में अभियोजन की ओर से जो है 9 गवाही दिया गया और 9 गवाही ने समर्थन किया उसको। समर्थन करने के बाद जो है 23 तारीख को इन 5 लोगों को, जो सुरेंद्र यादव हैं, श्रवण यादव हैं, मदन यादव हैं, चांदसी यादव हैं और अमरजीत हैं, इन 5 को जो है 23/12 को दोषी पाया गया। और आज जो है न्यायालय ने सेंटेंस की बिंदु पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद उन 5 आदमी को 376 सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज G में, जो कि गैंग रेप की बात कही जाती है, उसके तहत जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये जुर्माना उनको लगाया गया। और अगर जुर्माना वो नहीं देते हैं तो 3 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई। घटना कितना पुराना? उसके बाद जो है धारा 302 के तहत जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसमें 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। अगर जुर्माना वो नहीं देते हैं तो उसमें भी 3 महीना की सजा अलग से उनको होगी और दोनों सजाएं साथ साथ चली गई। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को लेकर अतिक्रमण किए गए तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शुक्रवार को नाथनगर CO राजेश कुमार के नेतृत्व में गौरा चौकी स्थित तालाब को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से पुलिस बलों ने खाली कराया। CO ने बताया कि तालाब की 10 एकड़ 80 डेसिमल जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर पक्का घरों का निर्माण करा लिया था, जिसको खाली कराया गया। साथ ही फिर से अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई है। वहीं अपना आसियाना उजड़ता देख सीता देवी, प्रकाश यादव एवं पुलिस यादव ने बताया कि वह सब 4 पुश्तों से गौरा चौकी में घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने ठंड के मौसम में उनका आसियाना उजाड़ दिया, जिसके कारण अब रहने में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ेगी। जल जीवन हरियाली के तहत पानी संचय हेतु पानी की स्थिति गंभीर को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जो भी तालाब अतिक्रमित है उस तालाब को अतिक्रमण से मुक्त होना है और उस तालाब का जीर्णोद्धार भी होना है। इसी क्रम में गौरा चक्की तालाब में अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। इस अतिक्रमण में लगभग 42 से 45 परिवार अतिक्रमण किए हुए थे। अतिक्रमण बात के तहत अतिक्रमण हटाई जा रही है। ठंड नीम जमरा सबरा घर द्वार जे तोरी इधर कत कैसे बाल बच्चा के लेकर रहे गाय माल लेकर। इसके पहले आपको सूचित नहीं किया गया था? सूचित पहले हमरा सनी के यहाँ में सब नहीं चलिए, हमरा सनी यहाँ पूर्ण नहीं छे आदमी, यहाँ में सब सब गरीब लोग छे बाल बच्चा के लेकर। कोई व्यवस्था देते हमरा सनी के रहे वही लिस्ट आरो की कर सके छे हमरा सनी के नकर। 200 साल से ज्यादा
की करी रहे हैं यहाँ? यहाँ माल जाल घर द्वार बनाए के मसी रहे, इसलिए आज तक मान प्रशासन ने या सीओ ने कभी ये सूचना नहीं दी कि सरकारी जमीन है जो खाली कीजिए। एक बार यहाँ केस हुआ था जो गैर मजरुआ आम के कह के हम लोगों को डिग्री मिला है, ऐसे भी मारपीट हुआ था, पुलिस को बहुत मन ही हुआ था, तो उसमें गैर मजरुआ आम कह के डिग्री मिला था हम लोगों को। क्या कहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि माने मकान छोड़ा जाए। पुलिस की वर्दी में सख्त अधिकारी, आदर्श छवि और बौद्धिक शख्सियत के रूप में लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी विकास वैभव अपनी कार्यशैली के लिए भागलपुर में हमेशा याद किए जाएंगे। रेंज डीआईजी विकास वैभव लगभग 32 माह की शानदार पारी खेलने के बाद भागलपुर से विदा लेने वाले हैं। हालांकि शुक्रवार को पुलिस उप महानिरीक्षक ने अपने कार्यालय में स्वतः प्रभार सौंप दिया। हम आपको बता दें कि 1 जनवरी को गृह विभाग ने रेंज डीआईजी विकास वैभव सहित 22 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था। डीआईजी विकास वैभव को गृह विभाग ने एटीएस डीआईजी की कमान सौंपी, जबकि सुजीत कुमार भागलपुर के नए डीआईजी बनाए गए। 56वें आईपीएस के रूप में 17 जून 2018 को विकास वैभव ने पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद जन समस्याओं को दूर करने के लिए डीआईजी लगातार प्रयासरत रहे और जनता दरबार लगाकर हजारों फरियादियों की फरियाद सुनी, साथ ही उचित कार्यवाही का दिशा निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। डीआईजी ने पुलिस महकमे के भ्रष्ट और बेईमान लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 3 दर्जन से अधिक दरोगा और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। वहीं शुक्रवार को आयोजित विदाई समारोह में शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद और पुलिस महकमे के अधिकारियों ने रेंज डीआईजी विकास वैभव को एटीएस का डीआईजी बनाए जाने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल को याद किया। रेंज डीआईजी विकास वैभव ने कहा कि भागलपुर के लोगों ने उन्हें भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। डीआईजी ने प्रभार सौंपने के पूर्व सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामुद्दीन को बताया कि उनका तबादला आतंकवाद निरोधक दस्ता डीआईजी के पद पर हुआ है। वहीं विदाई के मौके पर रेंज डीआईजी विकास वैभव के चेहरे पर एक तरफ एटीएस डीआईजी बनने की खुशी देखी गई तो दूसरी तरफ भागलपुर छोड़ने की भावुकता। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। भागलपुर में लगभग पिछले 32 महीनों से अपनी सेवाएं दे रहा था और स्थानांतरण की अपेक्षा भी थी। बहुत प्रसन्न हूँ, एटीएस की जिम्मेदारी डीआईजी के रूप में दी गई है। मेरे 2 प्रिय विषय इतिहास है और आतंकवाद। तो आतंकवाद से पूर्व में अनुभव रहा है, एनआईए में काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा और काफ़ी बड़े बड़े केसेस भी वहाँ पर अनुसंधान में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। बिहार में एटीएस की स्थापना कुछ वर्षों पूर्व की गई है और एटीएस में जो अपने पुराने अनुभव हैं उसके साथ योगदान देने का अवसर मिलेगा, ये सोचकर मन बहुत प्रसन्न है। मैं निश्चित चाहूँगा कि बिहार में एटीएस को और सुदृढ़ कर सके। क्या रह गया सर, जाते जाते जो है जाते जाते आदमी भावुक तो हो ही जाता है, जहाँ इतनी लंबी सेवा दी गई हो और साथ में भागलपुर से ही मेरे लगभग पुलिसिंग के करियर की शुरुआत हुई थी। एएसपी के रूप में पुलिसिंग के गुण मैंने यहीं सीखे, बहुत अच्छी बात रही। डीआईजी के रूप में भी सेवा देने का अवसर मिला। सभी भागलपुर वासियों से, क्षेत्रवासियों से एक विशेष जुड़ाव हो गया है। मैं अपनी तरफ से सभी को नव वर्ष की और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ऐसा कुछ जो छूट गया हो, जो नहीं कर पाए सर? देखिए, जीवन में आदमी जो सामने है करता जाता है, कर्म योग है ना, तो करना है। क्या छूटा क्या पाया तो कोई जानता नहीं, अपनी सेवाएं देते जाना है। क्या मैसेज देंगे सर, जाते जाते क्या मैसेज देंगे? क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल हो। चंपा पहली नगरी विश्व की कही जाती थी, ऐसे पुरातन भविष्य को, पुरातन वैभव को लेकर हम लोग उसके ऊपर जी रहे हैं, लेकिन भविष्य और उज्ज्वल में तब होगा जब सभी लोग अपना योगदान देंगे, निस्वार्थ भाव से देंगे, सकारात्मक भाव से देंगे, आपस में ईर्ष्या नहीं करें, द्वेष भाव नहीं रखें, मिलजुल कर सहयोग करें, निश्चित क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल होगा। जिलाधिकारी प्रणब कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक डीएसपी आरके झा ने शुक्रवार को जिला समाहरणालय के समीप कई जुगाड़ गाड़ियों को जब्त कर लिया। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से अवैध है, जिस पर रोक लगाने के लिए पूर्व में माइकिंग भी कराई गई थी, लेकिन जुगाड़ गाड़ी चालकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। डीएसपी ने कहा कि जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए जिले भर में स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस दौरान कई जुगाड़ गाड़ी को जब्त करते हुए चालक पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही। जुगाड़ गाड़ी जो है ना, पूर्णतः अवैधानिक है और इसको चलाने के लिए मना किया गया है। बीच में हम लोग लगातार माइकिंग कर रहे थे कि जुगाड़ गाड़ी जो भी है वो चलना बंद करेगा, लेकिन ये लोग मान नहीं रहा है, बीच बीच में चलाता ही रह रहा है। तो आज हम लोग ड्राइव चलाए हैं कि जितना जुगाड़ गाड़ी चल रहा है सबको पकड़ा जाएगा
और सबको सीज करके जो विधि सम्मत कार्रवाई। भागलपुर के नाथनगर स्थित विवाह भवन में शुक्रवार को सवल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत जदयू की ओर से नाथनगर विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्ष एवं सचिव संगठनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने एवं संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। परमंडलीय संगठन प्रभारी पंचम श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर बैठक की गई है। वहीं नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने कहा कि नीतीश मॉडल के विकास के बल पर बिहार के सभी विधानसभा पर जदयू की जीत सुनिश्चित है, जबकि सुल्तानगंज विधायक सुबोध राय ने संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जुट जाने की अपील की। मंच का संचालन जदयू महासचिव दीपक कुशवाहा ने किया। मौके पर विभूति गोस्वामी, अर्जुन शाह, बिपिन सिंह, कुणाल सहित सभी पंचायत के अध्यक्ष एवं सचिव मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपराध नियंत्रण को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को नाथनगर थाना के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों वाहन चालकों के आवश्यक कागजातों की जाँच की गई। वहीं बिना हेलमेट बाइक चालकों को पुलिस ने यातायात नियम का पालन करने की सख्त हिदायत दी एवं भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने की चेतावनी दी। चेकिंग अभियान में धर्मेंद्र कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। कड़ाके की ठंड में एक तरफ जहां भागलपुर नगर निगम प्रशासन जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने में लेट लतीफी कर रहा है और नगर निगम के सिस्टम पर अफसरशाही हावी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जनप्रतिनिधि स्वयं वार्ड के गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल बांट रहे हैं। शुक्रवार को वार्ड नंबर 32 के पार्षद प्रसन्नजीत कुमार उर्फ हंसल सिंह ने 200 से अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। पार्षद हंसल सिंह ने कहा कि आज उनका जन्मदिन है और प्रत्येक साल वह अपने जन्मदिन पर असहाय लोगों के बीच जरूरत का सामान बांटते हैं। वहीं पार्षद आवास पर मेयर सीमा शाह और उपमेयर राजेश वर्मा ने भी गरीबों के बीच कंबल बांटा और पार्षद हंसल सिंह को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इसके पूर्व स्वर संगम कला निकेतन के कलाकारों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उपमेयर राजेश वर्मा ने पार्षद के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और नगर निगम द्वारा सभी वार्ड में जल्द कंबल वितरित कराए जाने की बात कही। वहीं पार्षद हंसल सिंह ने कहा कि जन्मदिन के मौके पर सभी संपन्न लोगों को अपने अपने आस पड़ोस के जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखना चाहिए। मौके पर नीलू भारती, सोनू घोष, रमेश कुमार शाह, पंकज पासवान, मनीष कुमार समेत कई समाजसेवी मौजूद थे। गरीब गुरबा के लिए और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कंबल बांट के और अल्पाहार का। लगभग 250 कंबल का वितरण हमने किया।
सामाजिक सरोकार से जुड़ी समाज सेविका और भागलपुर में शिक्षा की अलग जगह रही सुमन सोनी अब तक कई पुरस्कार जीत चुकी है। सुमन सोनी पेशे से एक शिक्षिका है, लेकिन अपने शिक्षण कार्य से ऊपर उठकर समाज को कुछ बेहतर देने की लालसा रखने वाली सुमन सोनी हमेशा जरूरतमंदों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। बाढ़ की विभीषिका हो या बच्चों को स्कूल से जोड़ने की योजना, इन सभी में सुमन सोनी का योगदान सराहनीय रहता है। इन्हीं कार्यों को देखते हुए पिछले दिनों शिक्षिका सुमन सोनी को नई दिल्ली के लॉर्ड्स वेदा इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इसके बाद सुमन सोनी को बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण कार्य हेतु पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने के बाद सुमन सोनी ने संस्था का आभार प्रकट किया और सामाजिक बौद्धिक एवं मानवीय स्तर पर बदलाव लाने की बात कही। मौके पर बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार यादव, गोपाल परासर, राजा सिंह समेत कई सितारे और विभिन्न सेक्टर से जुड़े लोग मौजूद थे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सर्वदलीय समिति कहलगांव की ओर से शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाया गया, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों ने काफ़ी राहत महसूस की। समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि सर्द पछुआ हवा चलने के कारण ठंड का सितम जारी है। बेतहाशा ठंड को देखते हुए समिति के द्वारा काजीपुरा चौक, पार्क चौक, रेलवे स्टेशन परिसर एवं पुरानी बाजार में अलाव की व्यवस्था की गई है। मौके पर पवन कुमार भारती, नितिन कुमार, संजीव कुमार, चीकू सिंह रघुवंशी, शहबाज आलम, मुन्ना राजकुमार पाठक सहित कई लोग मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के बुद्धूचक मैदान में बुद्धूचक क्रिकेट चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट का पहला मैच केसीसी कहलगांव एवं मधुबन दियारा के बीच खेला गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन थाना अध्यक्ष विशेष कुमार, पूर्व मुखिया अरविंद मंडल, पूर्व सरपंच उमाकांत पोद्दार, बालेश्वर प्रसाद मंडल एवं संजीव झा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। केसीसी कहलगांव की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मधुबन की टीम निर्धारित 20 ओवर में 106 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी कहलगांव की टीम ने 107 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच में अंपायर की भूमिका कमल किशोर पासवान और पिंकू कुमार ने निभाई, जबकि मैच की कमेंट्री गोपाल झा, पवन मंडल एवं निखिल झा ने की। इस मौके पर अध्यक्ष कमल किशोर पासवान, उपाध्यक्ष पवन कुमार, सचिव अजय मंडल, जयंत झा, कुंडन मंडल सहित काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 14 वर्ष पूर्व महेशी में हुई थी घटना। जल जीवन हरियाली को लेकर तालाब को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, कई पक्के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। समारोह पूर्वक रेंज डीआईजी विकास वैभव को दी गई विदाई। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हजारों फरियादियों की सुनी थी फरियाद। डीएम के निर्देश पर जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर रोक लगाने के लिए चलाया गया अभियान। ट्रैफिक डीएसपी ने कई वाहनों को किया जब्त। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।